सो वी आर गोइंग टू कवर डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इन दिस वीडियो लेसन तो सबसे पहले देखते हैं कि डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग का मीनिंग क्या है सो डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग जिसे हम डी एन ए प्रोफाइलिंग और डी एन ए टाइपिंग भी कहते हैं ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम डी एन ए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका सीक्वेंस डिटर्माइन कर सकते हैं अब हमें पता है कि डी एन ए के अंदर तो मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो अब हर एक न्यूक्लियोटाइड का पता लगाना कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में पड़ा है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमें हेल्प करती है इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम पूरे के पूरे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को नहीं डिटरमाइन करते हैं हम कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जो वहाँ के, के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही डिटरमाइन करते हैं जो ह्यूमन टनॉम प्रोजेक्ट था तो उससे हमें यह पता लगा था कि नाइन जो न्यूक्लियोटाइट बेसिस हैं दे आर एग्जैक्टली सिमिलर इन ऑल ह्यूमन बींगस तो जो बाकी के बचे हुए एरियाज हैं जो कि यूनिक हैं हर एक ह्यूमन बींग के लिए हम उन एरिया को यूज करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं जस्ट लाइक like जैसे हमारे पाम के प्रिंट्स हैं या फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं जिनकी स्टडी को हम डरमेटोग कहते हैं द स्टडी ऑफ फिंगर पाम एंड सोल प्रिंट्स इट्स कॉल्ड डरमेटोग उसे ऑल्टर किया जा सकता है लेकिन जो डी फिंगरप्रिंट है वो एक ऐसा प्रिंट है जिसे ऑल्टर नहीं किया जा सकता है जैसे जो दूसरे कन्वेंशनल फिंगर हैं जो कि फिंगर टिप्स पर हैं उन्हें हम सर्जरी से ऑल्टर कर सकते हैं उनमें कोई चेंज ला सकते हैं लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट इज सेम फॉर ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी ऑल द द ऑल ऑफ अ पर्सन तो इसी वजह से हम हम हर एक DNA को जो हमारे बॉडी के अंदर है उसे दिशन नहीं कर सकते हैं सो इट कैन नॉट बी चेंजड बाई एनी नोन ट्रीटमेंट इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरह से हम किसी भी इंडिविजुअल को दूसरे लोगों से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज हिस्सनए फिंगरप्रिंटिंग ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं उन्हें डिटरमाइन कर सकते हैं और उस बेसिस पर उस इंडिविजुअल को दूसरे लोगों से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अब थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को जान लेते हैं तो जो एलेक जेफरीज थे इन 1984 ही इन्वेंटेड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इसीलिए उन्हें फादर ऑफ़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है इंडिया में इस टेक्निक को लाने वाले हैं डॉक्टर लालजी सिंह इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन फिंगर कहा जाता है डॉक्टर लालजी सिंह ही स्टार्ट डी एन ए फिंगर प्रिंट टेक्नोलॉजी इन इंडिया एट सी सी एम बी दैट इज सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर Biology, Hyderabad. यू विल इनकाउंटर अ नंबर ऑफ टर्म्स वाइन यू विल भी लर्निंग दिस टेक्निक जैसे कि जल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वी एन टी आर है पी सी आर है साधरन ब्लॉटिंग है ऑटो रेडियोग्राफी है एंड रेडियो एक्टिव डी एन ए प्रॉब्स हैं तो इस तरह की बहुत सारी टर्म्स आपके सामने आएंगी तो हम जैसे जैसे इस टेक्निक को पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इन टर्म्स को भी साथ में क्लियर करते जाएंगे तो जो सबसे पहली टर्म विच यू शुड नो वेन यू आर गोइंग टू लर्न डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इट इज़ वी एन टी

बहुत कम ऐसा डीएनए होता है विच इज़ वेरिएबल इन ऑल द इंडिविजुअल्स इन एरियाज को जो कि वेरी करते हैं व्हेन वी आर टू कंसीडर अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो उस टाइम पर वो एरियाज डीएनए के जो वेरी करते हैं विद पर्सन टू पर्सन दे आर कॉल्ड वी एन टी आरस दे आर कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स लेट्स डेफिनेशन सो इट इज़ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स ऑफ डी ऐसे रिपीट्स डीएनए के जो कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के बने हैं और वो बार बार रिपीट हो रहे हैं पूरे डीएनए में वेरी स्पेसिफिक इन ईच इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल के लिए ये स्पेसिफिक है और कोई इंडिविजुअल्स के बीच में ये मैच नहीं होंगे ये बहुत ही यूनिक न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होते हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक होते हैं इनका नंबर भी वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स दैट मीन्स विल बी हैविंग समरिटी वेन वी टॉक अबाउट द पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप तो पेरेंट्स और चाइल्ड में वी एन टी आर जिनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी होगी लेकिन जब हम दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात करते हैं वैन दे आर हैविंग नो रिलेशनशिप तो उनमें जो वी एन टी आरस हैं वो डिफरेंट होंगे या हम कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफ़िक होंगे लेकिन दे हैव सम समलैरिटी व्हेन वी टॉक अबाउट द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन तो बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स सो दे आर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स ऑफ डी एन ए विच आर वेरी स्पेसिफिक इन ईच इंडिविजुअल एंड वेरी इन नंबर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स इन्हें हम मिनी सेटेलाइट्स भी कहते हैं हर एक इंडिविजुअल इन वी एन टी आर को या इन न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स को अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं और इन्हें जेनेटिक मार्कर्स की तरह यूज किया जाता है इन पर्सनल आइडेंटिटी टेस्ट फॉर एग्जाम्पल हम किसी बच्चे की एग्जाम्पल लेते हैं हु इनहेरिट्स अ क्रोमोजोम रिपीट फ्रॉम हिज मदर एंड सेम टम रिपीटेड फोर टाइम्स इन दी होमोलोगस क्रोमोजोम वो क्रोमोजोम जो उसे उसके फादर से मिला है दैट मीन्स उस बच्चे के जो वी एन टी आर अलील्स हैं वो रिजेंबल करते हैं हाफ़ विद हिज़ मदर एंड दी अदर हाफ विद हिज़ फादर दैट मीन्स उसने जो अपने वी एन टी आर रिपीट्स हैं वो हाफ अपनी मदर से लिए हैं और हाफ अपने फादर से लिए हैं तो इस तरह से ये इनहेरिट होते हैं इसीलिए जो बच्चों के वी एन टी आर है वो उनके पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं लेकिन दे आर वेरी स्पेसिफिक वेरी डिस्टिंगविशबल वेन वी टॉक अबाउट टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स तो हम इन वी एन टी आरस की मदद से ही डी एन ए फिंगर को परफॉर्म हैं सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेन वी आर परफॉर्मिंग द टी एन ए फिंगरप्रिंटिंग नाउ यू कैन टेक दिस एज एन एग्जाम्पल इसे समझने के लिए कि किस तरह से जो वी एन टी आर वो हेल्प करते हैं जब हम डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं सो सी दिस इज़ द वी एन टी आर सीक्वेंस और द डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग ऑफ मदर एंड दिस इज़ द डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग सीक्वेंस और द वी एन टी आर जो सीक्वेंस हैं ये जो हाईलाइट किए गए हैं रेड और ब्लू कलर में दिज आर एन टी ये वो वाले सीक्वेंसेज हैं जो कि डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग से हमें मिले हैं वी एन टी आर्स तो ये मदर के हैं और ये चाइल्ड के हैं एंड आर थ्री सैम्पल्स एंड वी हैवे लुक एट दी एन टी आर्स बच्चे के बी एन टी आर्स उसकी मदर के साथ मिलेंगे हाफ विद मदर एंड हाफ विद फादर तो अब हम पहले देखते हैं कि उसके उसके मदर के साथ कौन से बी एन टी आर्स मिलते हैं सो लेट जूम आउट दिस पिक्चर जो ब्लू कलर के वी एन टी आर्स हैं उन्हें ब्लू इसलिए रखा गया है ताकि ये पता लग सके कि जो बच्चे के वी एन टी आर्स हैं वो कौन से हैं जो इन तीन सैम्पल्स के साथ मैच कर रहे हैं और जो उसकी मदर के साथ मैच कर रहे हैं पहले हम मदर के साथ देखते हैं सो बोथ द फर्स्ट फिंगरप्रिंट्स दैट इज ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड ये कहाँ पर सिमिलर है ये सिमिलर है यहाँ पर एट दिस वी एन टी आर देन दे आर सिमिलर एट दिस बी एन टी आर एंड इट्स सिमिलर एट दिस वी एन टी आर एंड देन एट दस बी एन टी आर तो चार ऐसे रीजन्स हैं बच्चे के डी एन ए फिंगर प्रिंट में और मदर के डी एन ए फिंगर प्रिंट में जो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं अब हम इन्हें मिलाएंगे तीन सैम्पल्स के साथ जिनमें से हमें इस बच्चे के फादर को फाइंड आउट करना है

this one is matching then this one is matching with this this the third one is matching with this and the fourth one is matching with this that means he can be the father of the child now let's have the look at the third sample so it's matching at the first position then it's matching at this position and then it's matching at this position so the maximum number of vntrs matching with that of the child sample is of the sample number 2 that means the father of the child is the one who is having sample number 2 or the sample number 2 vntr sequence of the dna fingerprinting he is the father of the child so this is how we use dna fingerprinting in solving the parental disputes to is tarah se hum bacche ke parents ko find out kar sakte hain is technique ko hum aur bhi bahut si cheezon ke liye use kar sakte hain जैसे paternity और maternity disputes और the parental disputes को solve करने के लिए dna fingerprinting ki ली जाती है जिससे हम भी बच्चे के रियल जेनेटिक मदर फादर या फिर किसी के ऑफस्प्रिंग को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिर उसके बाद हम इसे ह्यूमन लीनेज की स्टडी के लिए यूज करते हैं जिसमें हम एनसेस्ट्रल स्टडीज कर सकते हैं हेरिडिट्री डिजीज हैं कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जिनके पर्टिकुलर जीन्स को हम लोकेट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक को यूज करते हैं ऐसे जीन्स जो किसी ना किसी हेरिडट्री डिजीज के साथ एसोसिएटेड हैं कनेक्टेड है फिर इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो फोरेंसिक्स में भी है या फिर जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है जिसमें हम किसी भी क्रिमिनल की डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं या कोई हमारे पास सस्पेक्ट्स हैं किसी क्राइम के तो हम उनमें से जो क्रिमिनल है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस इस चीज़ का यूज़ करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रोल है जैसे कि कोई रेशियल ग्रुप्स हैं वो कहाँ से आए हैं कहाँ उन का ऑरिजिन हुआ है वो उनके कैसे इंसेस्टर्स रहे होंगे या उनकी माइग्रेशन कहाँ से हुई है उन चीज़ों का स्टडी करने के लिए भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग का नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग जहाँ हम इस टेक्निक को डिटेल में स्टडी करेंगे इसके सभी स्टेप्स को तो जो सबसे पहला स्टेप है डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग का दैट इज़ दी एक्सट्रैक्शन ऑफ डी एन ए सैम्पल सबसे पहले तो हमें डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग करने के लिए एक सैम्पल की ज़रूरत है और वह सैम्पल किस चीज़ का होना चाहिए डी एन ए का होना चाहिए हम जिस किसी की भी स्टडी करने वाले हैं उसके डी एन ए का हमारे पास होना चाहिए अब डी एन ए का सैंपल कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जा सच कैन बी फ्रॉम द ब्लड सैंपल पर्टिकुलरली हम उसमें से डब्लू के न्यूक्लिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसमें से डी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्पर्मेटोजोआ के न्यूक्लिया में से भी डी को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फॉलिकल सेल्स जो कि रूट्स जो होते हैं हेयर है, के उनके साथ क्लिंग हो जाते हैं उन फॉलिकल सेल्स में से हम डी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एक्सट्रैक्शन ये ब्लड सैंपल है और ब्लड सैंपल

एंडोन्यूक्लियस मीन ये डी एन ए को इंटरनली ब्रेक कर रहा है अगर ये एक्जोन्यूक्लियस होता है तो वो एंड से ब्रेक करता है डीएनए को तो एंडो न्यूक्लियस एंजाइम को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं और डीएनए को हम स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे विच कैन बी सीन इन दिस डायग्राम जिसमें डीएनए को हमने कट किया है इन टू फ्रेगमेंट बाई द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये जो फ्रेगमेंट्स डीएनए के अलग अलग किए गए हैं बाय दिस एंजाइम इनके अंदर ही वी एन टी आर होंगे वही वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जिन्हें यूज करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है अब जब हम इन फ्रेगमेंट्स को कट कर देंगे फिर उसके बाद इन्हें सेपरेट करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज सो द थर्ड स्टेप हेयर इज सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाउ इट्स अगेन एन इंपॉर्टेंट टर्म हेयर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास एक सेटअप होता है जिसमें एक जेल होती है और उसके अंदर हम अपने जो फ्रेगमेंट्स हैं जो डीएनए

पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो जितने भी डी एन ए फ्रेगमेंट्स है दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉड्स और इस चीज़ को यूज़ करके हम डी एन ए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ना पर्टिकुलरली वाई ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ क्योंकि जितने छोटे साइज़ के डी एन ए फ्रेगमेंट्स होंगे या जिनका मोलिकुलर वेट जो है वो कम होगा वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे और जल्दी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉड की तरफ पहुंचेंगे इसलिए हम साइज के सी पर इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स विद वी एन टी आरस थ्रू अ पी सी आर टेक्निक अब हम इनमें से कुछ पर्टिकुलर साइज के वी एन टी आरस को सिलेक्ट कर लेते हैं जब हमने इन्हें सेपरेट कर लिया है डी एन ए फ्रेगमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ तो जिस साइज की हमें रिक्वायरमेंट है उन वी एन टी आरस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें एम्प्लीफाई किया जाता है क्योंकि हमारे पास सैम्पल की क्वान्टिटी बहुत कम होती है तो हमें सैम्पल जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है तो हम इन वी एन टी आर को इन सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स में से पर्टिकुलर साइज के जो वी एन टी आर हम उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर पी सी आर टेक्निक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उस टेक्निक को हम यूज करके इन वी एन टी आर की मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं फिर इन मल्टीपल कॉपीज को हम ट्रीट करते हैं विद अल्केलाइन केमिकल्स और इन अल्केलाइन केमिकल्स की हेल्प से हम डबल स्टैंडर्ड डी एन ए फ्रेगमेंट्स जो हैं उन्हें सिंगल स्टैंडर्ड डी एन एक्स फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट कर लेते हैं सो दल सी एन टी आरते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि सिंगल स्ट्रैंड अब ये जो डी एन ए फ्रेगमेंट्स हैं या वी एन टी आर देर ट्रांसफर्ड ऑन टू अस को हम कहते हैं plotting. जिसमें हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है जो हमारे पास अब सेपरेशन के बाद हमने ऑप्टेन किए हैं जिनकी पीसीआर के साथ एम्पलीफिकेशन भी कर ली गई है अब हम उन्हें ट्रांसफर करेंगे ऑन टू अ अन मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस के लिए हम नायलॉन मेम्ब्रेन को इन सेगमेंट्स के ऊपर रखते हैं और जो डी एन ए का जो पैटर्न जेल के अंदर बना है वैसे का वैसे ही वो सारा का सारा पैटर्न जो है वो नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है नाउ द नेक्स्ट रेडियो एक्टिव डी एन ए ड्रॉप्स आर पोल्ड ओवर द नाइलॉन मेम्ब्रेन अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पर अब हमें ज़रूरत है रेडियो एक्टिव डी एन ए प्रॉप्स की रेडियो एक्टिव डी एन ए प्रॉप्स का क्या मीनिंग है दे आर हैविंग रिपीटेड बेस सिक्वेंसिस विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द पॉसिबल वी एन टी आर्स जो हमने उनमें से सिलेक्ट किए हैं वी एन टी आर्स आफ्टर द सेपरेशन हमने जिनकी एम्प्लीफिकेशन की है जो हमें लगता कुछ डी एन ए प्रॉब्स हम इनके अंदर ऐड करते हैं ये डी एन ए प्रॉब्स ये रेडियो लेबल्ड डी एन ए प्रॉब्स होते हैं और इनकी रेडियो लेबल होने की वजह से हम इन्हें बाद में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड होंगे ये हमें पता चलता है इनकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से तो इसलिए इस स्टेप में रेडियो एक्टिव डी एन ए प्रॉप्स का डालना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि एट द लास्ट हमें जो पैटर्न दिखाई देने वाला है वो इन रेडियो एक्टिव डी एन ए प्रॉब्स की वजह से ही दिखा देने वाला है बिकॉज ऑफ दियर रेडियो एक्टिविटी अब इन वी के ऊपर जब हमने रेडियो एक्टिव डीएनए प्रॉब्स को ऐड कर दिया विच यू कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम हमने यहाँ नायलॉन शीत के ऊपर इन्हें ट्रांसफ़र किया और फिर उसके बाद उन्हें इन रेडियो एक्टिव डी एन ए प्रॉब्स को हमने प्रिपेयर किया और इस सैम्पल के अंदर हमने डाल दिया जो डी एन ए प्रॉब्स हमने डाले हैं दे बाइंड टू स्पेसिफिक सीक्वेंसेज ऑन द नायलॉन मेम्ब्रेन उन जगह पर जाकर ये बाइंड हो जाएंगे जहाँ पर इनके साथ मैचिंग या कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेज वाले वी एन टी आर जो कि हमारे सैम्पल से लिए गए हैं जहाँ पर वो लोकेटेड होंगे वहां पर जाकर ये रेडियो एक्टिव डीएनए प्रॉब्स जाकर बाइंड हो जाएंगे

नाइलॉन मेम्ब्रेन को फिर हम वॉश करते हैं ताकि उनमें जो एक्स्ट्रा प्रॉब्स हैं जो किसी भी वीएनटीआर के साथ बाइंड नहीं हो सके हैं वो वॉश आउट हो जाएं तो इसलिए हम नाइलॉन मेम्ब्रेन को फिर वॉश करते हैं टू रिमूव दी एक्स्ट्रा प्रॉब्स फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज वी आर डन विद द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विच इज बिटवीन द रेडियो एक्टिव डी एन ए प्रॉब्स एंड द पॉसिबल वी एन टी आर्स ना द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपोजर टू द एक्स रे फिल्म अब हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बन चुके हैं हाइब्रिडाइज्ड डी एन ए बन चुका है अब हम इस सब इनको एक्स रे फिल्म के लिए एक्सपोज करेंगे एज सुन एज द एक्स रे फिल्म इज एक्सपोज टू द नाइलॉन मेम्ब्रेन वो पोजिशन या वो लोकेशन

आएंगे. जहां जहां पर भी जो uh, binding है, complementary pairing हुई है हुई रेडियो एक्टिव डी एन एंड वो एक्सरे फिल्म के अंदर डार्क बैंड की फॉर्म में नजर आएंगे एंड दीज डार्क बैंडीएन फिंगरप्रिंट्स

इस जगह पर अपने सैंपल्स को लोड करते हैं और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ माइग्रेट करते हैं जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सो दिस इज़ कॉल्ड द जेल इलेक्ट्रोफोरिस नाउ आफ्टर वी आर डन विद सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज फिर हम इनमें से कुछ वी एन टी आरस को सिलेक्ट कर लेते हैं विच आर ऑफ़ द सुटेबल साइज उनकी फिर एम्प्लीफिकेशन की जाती है यूजिंग पी सी आर टेक्निक दैट इज़ पॉलिमरेज चेन रिएक्शन और फिर जो डबल स्टैंडर्ड वी एन टी आर्स हैं जो कि कुछ इस तरह से होंगे हम उन्हें अलगली के साथ ट्रीट करते हैं और वो सिंगल स्ट्रैंडर्ड वी एन टी आर बन जाते हैं दे इन टू सिंगल वी एन टी फिर हम इन सिंगल बी एन को आगे की प्रोसेस के लिए यूज करते हैं द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इज़ द दर्दन ब्लॉटिंग जिसमें हम इन वी एन टी आर्स के ऊपर एक नायलॉन शीथ लगाते हैं और जितने भी वी एन टी आर जेल के अंदर हैं दे गेट ट्रांसफर टू द नायलॉन शीत ये नायलॉन शीथ के ऊपर जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इनके ऊपर रेडियो एक्टिव डी एन ए प्रॉब्स को पोर करते हैं ये रेडियो एक्टिव डी एन ए प्रॉब्स ये रेडियो लेबल्ड प्रॉब्स होते हैं और इनकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से ही हम इन्हें बाद में एक्सरे फिल्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं

विल बी हैविंग अ हाइब्रिडाइज डीएनए विच विल बी हैविंग हाफ ऑफ़ है डीएनए प्रॉब्स एंड हाफ विल बी अवर सैम्पल तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है डीएनए की यहाँ तक का जो स्टेप है इट इज कॉल्ड द सदर ब्लॉटिंग फिर हम इस नाइलॉन शीट को वॉश आउट कर देते हैं ताकि जितने भी एक्स्ट्रा प्रॉब्स हैं जो किसी भी आ, किसी भी वी एन टी आर के साथ जाकर जिसकी बाइंडिंग नहीं हो सकी है वो एक्स्ट्रा प्रॉब्स सब रिमूव हो जाएं एंड आफ्टर दैट आवर लास्ट स्टेप इज़ दैट एक्सपोजर टू एक्सरे फिल्म जिसमें एक्सरे है उसके साथ एक्सपोज करते हैं हमारे सैम्पल को और जब एक्स एक्सरेज़ के साथ जो फिल्म डेवलप होती है उस फिल्म को जब स्टडी किया जाता है तो वहाँ पर हमारे पास इस तरह का एक पैटर्न बन जाता है डार्क बैंड्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दीज पैटर्न्स जहाँ पर ये डार्क बैंड्स प्रेजेंट होंगे इस पैटर्न में वो डार्क बैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारा हाइब्रिडाइज्ड डीएनए है वो इन डार्क बैंड्स पर प्रेजेंट होगा दैट दिस टेक्निक इज़ नोन एज दी ऑटो रेडियोग्राफी नाउ एज आई टोल्ड यू इस तरह के कुछ हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं जिनमें ये जो लोकेशन हैं जो कि कलर्ड की, की गई हैं ये ये बताती हैं कि यहाँ यहाँ पर जो डी एन हैं वो हाइब्रिडाइज किए हैं हमारे वी के साथ और फिर हम इनकी लोकेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी लोकेशन आपस में ज्यादा मैच करती हैं या किन दो सैम्पल्स में जो लोकेशन हैं या डार्क बैंड एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी में हैं हैं दैट वो एक दूसरे के साथ मिलते हुए हैं. और इसी चीज को यूज कर फाउंड आउट दैट द नंबर टू इज द फादर ऑफ द चाइल्ड सो वी कैन सॉल्व सच डिस्प्यूट्स यूजिंग द डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निको दिस वॉज ऑल अबाउट द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग